खाकान जिंदा है या मर चुका है अभी तक अपना डिपार्टमेंट इस बात का पता नहीं लगा सका है। सर, खाकान हजार शैतानों का एक शैतान है, इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है। वो या तो अंडरग्राउंड हो गया है या ये शहर छोड़कर भाग गया है। इन हालात में हम लोगों को क्या करना चाहिए? कुछ नहीं सर, थोड़ी सी अदाकारी करनी पड़ेगी। वो जिस तरह पुलिस डिपार्टमेंट के साथ आंख मिचौली खेल रहा है, उसी तरह हमें भी दिखाना पड़ेगा कि हमने आंख पे पट्टी बांध ली, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। और जिस दिन वो अपने बिल से बाहर आएगा, हम उसे दबोच लेंगे। दैट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। लेकिन इस बार आप अकेले नहीं होंगे, आपके साथ एक नया मगर जाबाज पुलिस ऑफिसर होगा। कौन सर? अंधे नहीं? यस सर। इंस्पेक्टर देव का अंदर भेज दो। मैं कम सर। डू कम इन इंस्पेक्टर देव। सर देव, सीनियर इंस्पेक्टर मिस्टर खान। सर यंग एंड ब्रिलियंट इंस्पेक्टर देव। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे भी आपसे मिलकर बड़ा फक्र हो रहा है सर। वो इसलिए कि आप पुलिस डिपार्टमेंट की शान है, वफादारी और बहादुरी की मिसाल है आप। इंस्पेक्टर देव, अगर तुम मुझे मिसाल समझते हो तो मैं चाहूंगा कि एक दिन ये मिसाल तुम बनकर दिखाओ। ऑल द बेस्ट। दुनिया में नहीं रहे बेचारे, लेकिन वो बहुत अच्छे आदमी थे। उन्होंने मेरे को सिखाया कि जवान लड़की को चालू लोगों से बचकर रहना है, तो रम और चाय के पानी का चक्कर चलाते रहो मूड बना के। लेकिन सुनीता, तू यहाँ कैसे आई? पुलिस के चक्कर में। पुलिस? हाउ? तेरा वाला मालदार है तो अपन वाला थानेदार। क्या मतलब? मतलब साफ है मिया, इंस्पेक्टर देव कुमार। ओ, 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 तो फिर वो आप ही हैं जिसके सुबह शाम वो गुनगाता रहता है। यस। तो फिर अभी चक्कर में डालता हूं उसे मैं। मूड बना के। देव, अरे पाई लगू माँ। देव का माँ? कमरे में। कमरे में? अरे देव, अरे देव का भाई? यार बाथरूम में। यार जब देखो बाथरूम में घुसा रहता है। देव दरवाजा खोल। क्यों? तेरी वाली मिल गई देव, तेरी वाली मिल गई। अबे क्या यार, क्यों मजाक कर रहा सुबह सुबह? अरे मेरा यकीन कर, मैं सच बोल रहा, तेरी वाली मिल गई है। अरे अपनी ऐसी किस्मत ही नहीं है कि अपनी वाली मिल जाएगी। दोस्ती की कसम देव, दोस्ती की कसम, खोल यार, खोल देव, खोल। कहाँ है वो? कहाँ है वो? अरे कहाँ वहाँ छोड़ यार, मैं सच कह रहा हूँ। ये ले, ये पता ले। और एक काम कर, मैंने सब तेरी बातें पक्की कर ली है, तू इस पते पर शकुन का थाल लेके जल्दी से पहुंच जा। शकुन का थाल? हाँ यार, माँ को बताना पड़ेगा, शकुन तो बड़े लोग लेके जाते हैं। यार माँ को सीधा बहू से मिलवा देना, ये छोटी मोटी बस में आजकल खुद लड़के कर लेते हैं। हा? हाँ, और वो भाई साहब शगुन लेके आ गए।
शक की बात कर रहा हूं जो इंस्पेक्टर खान के दिल में तुम्हारे लिए पैदा हो गया है। उस शक को जल्द से जल्द मिटा देना चाहिए। भोला पांडे का माल कल चाइना क्रीक की पहाड़ियों के पास हेलीकॉप्टर से उतरेगा। तुम अपने पुलिस वालों को हमारे गैंग की वर्दी पहनाकर वो माल हमारी वैन में रखवा देना। बुखलाकर भोला पांडे वो माल लूटने के लिए हमला करेगा, तुम उसे गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर देना। बस देव, बिना तीर चलाए हमारे दो निशाने पक्के हो जाएंगे। एक तरफ हमारा दुश्मन जेल जाएगा और दूसरी तरफ इंस्पेक्टर खान का तुम पर से शक मिट जाएगा। भोला पांडे हैं, मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। यही है वो गद्दार जिसकी हमें तलाश थी। अगर मुझे वहां से भागा तो इस पक्की सड़क पर आने के लिए यही एक कच्चा रास्ता है। मैं आधी फोर्स लेकर ऊपर जाता हूं, तुम ही रुको। आप फिक्र मत कीजिए सर, मैं अकेला ही काफी हूं। मुजरिम यहां से कभी भाग ही नहीं पाएगा। ये
हेलो जॉन। हेलो माल उतारो। ए बांगड़ू, तोरा एक भी आदमी हिला ना तो ये सारी की सारी गोलियां हम तोरा माथा में दाग देंगे। हाँ हुजूर, अर्ज किया है। अपने अपने हथियार जमीन पर फेंक कर हाथ ऊपर उठालो वरना भून दिया जाओगे। पकड़ लो सबको। बोला पांडे, आप अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं। ये सब हमारे आदमी हैं। सर जी, आपका आना तो कमाल हो गया, हमारा तो पूरा हाल हो गया था। तो तुम्हें यकीन आ गया होगा कि ये दुनिया गोल है, और खासकर जुर्म की दुनिया तो बहुत ही ज्यादा गोल है। मुजरिम भागता है, सारी दुनिया का चक्कर भी लगाता है, लेकिन आखिर में आकर कानून के गड़े में गिर जाता है, जैसे आज तुम गिरे हो। तुम्हें गलतफहमी हुई है इंस्पेक्टर खान। ये पिस्तौल मैंने अपने कनपट्टी पे अपनी मर्जी से रखवाया है, और जब चाहूं इसे हटवा सकता हूं। अच्छा, तुम्हारा मतलब है कि ये तुम्हारी और देव की मिली भगत है? तुम्हारे कहने पे इसने ये रिवॉल्वर तुम्हारी कनपट्टी पे रखा है? बेशक। अगर ऐसा है तो इससे कहो ये रिवॉल्वर यहां से हटाए और मेरे सीने की तरफ पॉइंट करे। इसे कहो ये गोली जो इंस्पेक्टर खान के सीने पे चलाए, कानून की गिरफ्त से बच जाओगे, फांसी से बच जाओगे तुम। बोलो उससे। इंस्पेक्टर देव, अरेस्ट हिम। आई सेड अरेस्ट हिम। यस सर। इंस्पेक्टर खान। सुनो, देव। सर, 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 ये सर, ये मैंने नहीं था। सर, ऐसे लगता है जैसे मैं हार गया। मैंने तुम्हें सुधरने का एक मौका दिया, मगर नाकाम रहा। अब उस परवरदिगार के बारगाह में जा रहा हूं, उससे दुआ करूंगा कि वो तुम्हें सुधरने का एक मौका दे। मगर आज फिर कह के जाता हूं बेटा, एक ईमानदार ऑफिसर के लिए जो वर्दी होती है उसकी उसकी मां की तरह होती है। आज ये गोली इंस्पेक्टर खान के जिस्म पे नहीं लगी है, तुम्हारी मां के दिल पे लगी है। तुम वर्दी का फर्ज तो नहीं निभा सके, अरे कम से कम मां के खून का फर्ज तो निभा लो। माफ कर देगा वो। कम ऑन, बी अ ब्रेव मैन, प्रॉमिस। वादा करो बेटा। कम ऑन, कम ऑन। مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير ईमानदार ऑफिसर के लिए जो वर्दी होती है उसकी उसकी माँ की तरह होती है। तुम वर्दी का फर्ज तो नहीं निभा सके, अरे कम से कम माँ के खून का फर्ज तो निभा। सर ये वो तमाम फाइल्स हैं जिसमें खाकान की सारी डिटेल्स हैं। थैंक यू सर। ये तस्वीर किसकी है? मेरे स्वर्गीय पिताजी की। भोला पांडे साहब, मैं पूरा पता लगाकर आया हूँ। 20 साल पहले खाकान ने अपना जुर्म अपने ड्राइवर के नाम डालकर उसे उम्र कैद की सजा करवा दी थी, और वही ड्राइवर इंस्पेक्टर देव का बाप है। हाँ, जिसे वो स्वर्गवासी समझता है, लेकिन वो ड्राइवर जिंदा है। जिंदा है जी। वाह भाई वाह, तू तो ऐसन जहरीली खबर लाया है जिसके एक ही बार से हम सब कुछ मिटा दूंगा, दुश्मन भी दुश्मनी भी और बदले की भावना भी। हेलो देव साहब, तोहरा पिता सेंट्रल जेल में खाकान के किए हुए जुर्म की सजा भुगत रहा है। यकीन ना हो तो खुद जाकर देख लो, तोहरी आंखों पर पड़े हुए सारे पर्दे जलकर खाक हो जाएंगे। कौन आया है मुझसे मिलने? कौन हो भाई तुम? अरे बोलते क्यों नहीं भाई? जवाब तो आप दीजिए बाबा, कितने बरसों से इस जेल खाने में किसके गुनाहों की सजा भुगत रहे हो आप? तुम कौन हो? वो बदनसीब जो पिता के जीते जी अनाथ बनकर जीने की सजा भुगत रहा है, जिसकी मां विधवाओं की तरह जी रही है। देव, मेरा बेटा, बेटे, देव हो तुम? हाँ बाबा, आपका देव, आपका बेटा, सरस्वती का बेटा, मेरे बच्चे। आपने आपने हम लोगों को खबर क्यों नहीं की कि आप जिंदा हैं, आप यहां हैं? इसकी वजह वो जहरीला सांप है बेटे, जो मेरी जिंदगी को डस गया। वो खाकान जो मेरी जिंदगी में जहर घोल गया। अदालत में अगर तूने मेरे खिलाफ जुबान खोलने की कोशिश की तो तुम्हारी बीवी और बच्चा दोनों मारा जाएगा। मेरा गुनाह अपने सर पर लेकर जीना ही, अब तुम्हारे परिवार की जिंदगी है। आज के बाद उनके लिए तू मर चुका है। अगर मैं खामोश नहीं रहता तो वो तुम्हारी मां और तुम्हें। बेटे, तुम दोनों की जिंदगी के बदले में उसने मेरी खामोशी मांगी और मैं बेबस हो गया, इसलिए आज तक उस कमीने के पापों की सजा भुगत रहा हूं मैं। अब बेटे, वो तुम्हारी मां कैसी है? अरे देव, कहां ले आया हो मुझे? अरे कुछ बता तो सही देव। अरे क्या कर रहे?
सरस्वती। कैसी हो सरस्वती,